फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड वृंदावन कॉलोनी, और ये रहा यहाँ का एंट्री गेट। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या कुछ है, दर्शन करते हैं भगवान जी का। मीट माय बड़ी। मैंने लेट तो वाकई में तुम किया है थोड़ा। और वहाँ पे एक कॉलोनी है वृंदावन कॉलोनी, वहाँ से व्यू काफी सुंदर लगता है, वहाँ से सनसेट बहुत प्यारा लगता है। बजरंगबली जी का विराट यहाँ पे मूर्ति, अंदर अभी कोई भी भगवान की मूर्ति भी नहीं रखी गई है। गंगा यमुना हवन कुंड यहाँ पे है। तो जी यहाँ से आप लोग को एक कम्प्लीट व्यू दिखाते हैं। इवनिंग हो चुकी है एंड लाइट्स वगैरह सारा जल चुका है। महाशिवरात्रि मानो। हाँ जरूर आऊंगा। अयोध्या के मंदिर में विराजमान हुए हमारे श्री राम लला। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हो सभी, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों कई दिनों से मैंने एक लोकेशन एक्सप्लोर करने का सोचा था। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे रील पे मैंने देखा था कि रांची में एक जगह है चिरौंधी, जो कि आपका मोराबादी साइड है, और वहाँ पे एक कॉलोनी है वृंदावन कॉलोनी। तो वहीं पे शिव शक्ति धाम है, वहाँ पे गंगेश्वर महादेव जी का प्रतिमा है, एक बहुत बड़ा स्टैचू है बजरंगबली का, राधे कृष्ण जी का मूर्ति, और भी कई सारे वहाँ पे देवी देवता हैं। और मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल ही रहा है, मतलब बन चुका है ऑलमोस्ट, बट अभी कुछ कुछ बाकी है। वहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर लगता है, वहाँ से सनसेट बहुत प्यारा लगता है, आसपास पहाड़ है और वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलते हैं लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ से नज़ारा वगैरह जो भी है। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। वहाँ पे विपिन ज्वाइन करेगा, विपिन आसपास ही रहता है मोराबादी में, तो बोला था भैया जब आप आओगे तो मेरे को बताना, साथ में ही चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ से मैं और ऋतिक निकलेंगे और वहाँ पे विपिन को भी ले लेंगे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग को डायरेक्ट मिलते हैं वहीं पर। ओके दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग हैं रिम्स वाले रोड में, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो रिम्स का तालाब, और ये रिम्स रोड, ठीक है। आगे ही है आपका पूरा जो रिम्स है, तो इसी रोड से हम लोग लिंक लेंगे मोराबादी, और मोराबादी से होते हुए हम लोग जाएंगे टैगोर हिल, होते हुए उसी रोड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। ये देख लो रिम्स सर्कल यही है, और यहीं से हम लोग अभी आगे बढ़ करके आगे से लेफ्ट मुड़ जाएंगे। ओके, और उधर से होते हुए रामप्यारी हॉस्पिटल जो नया वाला बना है, उधर से हम लोग मोराबादी निकल जाएंगे हरिहर सिंह रोड वाले में। ओके, ये देख लो रिम्स का गली, यहीं से आपको सामने मंदिर दिख रहा है बरियाती वाला जो है, ठीक है। ये देख लो दोस्तों, पल्स हॉस्पिटल के तरफ से ही जो बगल से गली गया है, यही आपका हरिहर सिंह रोड, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो। और इधर से हम लोग निकलेंगे मोराबादी, और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। सो आप इधर से शॉर्टकट ले सकते हो अगर आप कोकर से आओगे तो, या बूटी मोड़ से आगे। तो चलते हैं आगे, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो जी अब अपन निकल चुके हैं मोराबादी के लिए, देख सकते हो ये मोराबादी रोड है, और हाँ इधर से रिंग रोड भी आपको निकाल देगा, ठीक है। इधर से आप जाओगे तो मोराबादी ग्राउंड का रास्ता इधर से ही है, ये देख लो। तो चलते हैं इधर आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं आपको वृंदावन कॉलोनी के पास। दोस्तों फिलहाल हम लोग अभी मोराबादी में हैं, और यहाँ से विपिन को रिसीव करना था, बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। मीट माय बडी। हाय। बहुत दिनों के बाद आप इसमें देखेंगे। मैंने लेट तो वाकई में तुम किया है थोड़ा, पहले हम लोग डिसाइड कर चुके थे, बट कोई इशू नहीं, यहीं बगल में ही है वृंदावन कॉलोनी, तो उसके टीम रहे जल्द दिखाते आप लोग को, ठीक है। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड वृंदावन कॉलोनी, और ये रहा यहाँ का एंट्री गेट। ओके, तो यहीं से अपन चलते हैं, वहाँ पे आप लोग को बड़ा बड़ा बोर्ड दिख रहा होगा वृंदावन कॉलोनी लिखा हुआ, और प्रभु श्री राम जी का भी बड़ा सा एकदम पोस्टर भी है। तो चलते हैं अंदर, और क्या कुछ है आप लोग को अंदर देखने को मिलेगा, ब्लॉग में बने रहें। तो ये देख लो दोस्तों, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं इस कॉलोनी में, बहुत बड़ा कॉलोनी है, और इधर से हम लोग भी मंदिर वाले रास्ते में ही हैं। तो चलते हैं अंदर। आ गया, आ गया, ये राम मथुरा रेसिडेंसी, बड़ा वाला बिल्डिंग ब्लू कलर का। इधर का घर तो भाई बहुत प्रीमियम लग रहा है, इधर का घर वगैरह काफ़ी एकदम देखने लायक है। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देख लो पहाड़, और यहीं से एंट्री है बगल से, ठीक है। पार्किंग लगाते हैं पहले। तो जी फाइनली आप ये देख सकते हो, हम बिल्कुल फ्रंट गेट के सामने माँ पार्वती देवी द्वार वृंदावन कॉलोनी, और इंटर कर रहे हैं यहीं के साथ, ठीक है। ये पहाड़ देख लो, पार्किंग वार्किंग के लिए तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन है बट ओके ओके, ठीक है। इधर का आप ये कुछ देख सकते हो। हाँ, तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या कुछ है, दर्शन करते हैं भगवान जी का। ये देख लो कितना अच्छा सजावट अभी भी है, एक पहला मंदिर, यहाँ पे भी कोई भगवान जी विराजमान होंगे, और यहाँ से स्टेयर्स शुरू होता है, ठीक है। सकता है, ये देख लो भोले बाबा। तो फाइनली हम लोग अब धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो हमारे प्रभु, हमारे श्री हनुमान जी, बजरंगबली जी का विराट यहाँ पे मूर्ति।
ठीक है। और उसी के साथ हमारे राधे कृष्ण जी के यहाँ पे भी प्रतिमा आप ये देख सकते हो। ओके सो बढ़िया है, अभी और कंस्ट्रक्शन मोड में है तो काफ़ी सुंदर होने वाला है, ठीक है, यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन मोड में, मतलब अंदर अभी कोई भी भगवान की मूर्ति अभी नहीं रखी गई है एक्सेप्ट दिस वन। ओके और यहाँ से आप लोग को मंदिर का कुछ कुछ झलक दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ से देख सकते हो व्यू, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। पीछे एक बड़ा सा पहाड़ भी है एंड हियर यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत मंदिर। आई डोंट नो यहाँ पे कौन से भगवान विराजमान होंगे, अभी भी कंस्ट्रक्शन मोड में काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे। ये देख लो राधे कृष्ण जी का मूर्ति यहाँ पे और बजरंगबली, ये देख लो जी यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग कि मंदिर कब कंप्लीट होगा एंड उसके बाद का जो नज़ारा वो देखने लायक होगा, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। आसपास देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है बट अपार्टमेंट कई सारे हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये मंदिर आप देख सकते हो, ये भी मंदिर देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत, गंगा यमुना हवन कुंड यहाँ पे है, यहाँ पे भोले बाबा जी हैं और इस मंदिर का यहाँ पे ये देख सकते हो। अब लाइट्स वगैरह सारा कुछ ऑन हो चुका है तो मंदिर और खूबसूरत लग रहा है। ओके यहाँ से ये देख सकते हो मंदिर का नज़ारा, दर्शन कर लो सारे भगवान जी का। और यहाँ से आप ये व्यू देख सकते हो, यहाँ से आप ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से अंदर अभी बनाया गया है बैठने का, भगवान जी विराजमान नहीं हुए हैं, जब हो जाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा यहाँ का दृश्य। और ये आप देख सकते हो आसपास का नज़ारा के मंदिर का, सामने आप लोगों को दिख रहा है ये पहाड़, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ क्या बोलेंगे, चट्टान है एक तरह से। ओके सो या दोस्तों ये देख लो यहाँ से मंदिर का नज़ारा, और ये जो मंदिर आप लोग देखे थे बहुत खूबसूरत सा मंदिर, ये भी सब कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, भगवान जी अभी विराजमान नहीं हुए। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे, ये जो आप लोग को ज़मीन दिख रहा है जो आगे का बाउंड्री, ये सारा मंदिर के अंदर में आता है और अभी कंस्ट्रक्शन चालू होगा। तो जी यहाँ से आप लोग को एक कम्प्लीट व्यू दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ से और अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो बजरंगबली हमारे और ये मंदिर, यहाँ से ये देख लो नीचे एक पोंड से ऐसा छोटा सा, यहाँ से शिव जी हमारे मंदिर देख लो भाई। लाइट्स वाइट सब ऑन हो रहा है क्योंकि शाम हो रही है, यहाँ से आप प्रॉपर व्यू देख सकते हो मंदिर का, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हो गंगा यमुना हवन कुंड, और उसी के साथ यहाँ पे हवन कुंड का देख सकते हो तैयारी हो रहा है। और ये देख लो मंदिर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर विजिट करो इफ़ यू आर इन रांची, आसपास का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है। ओके ये देख लो इवनिंग का टाइम है तो लाइट्स वगैरह सारा ऑन हो चुका है। सो अब चलते हैं यहाँ से, ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया, अपना रिव्यू दीजिए कैसा लगा, ठीक है। लास्ट टाइम भोले बाबा के दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे फिलहाल और चलते हैं। तो जी यहाँ से एक व्यू आप देख सकते हो, ठीक है, इवनिंग हो चुकी है एंड लाइट्स वगैरह सारा जल चुका है, यहाँ से आप देख सकते हो ओवरऑल व्यू, ये देख लो। और आप लोग को एक चीज़ दिखाऊं, हाँ जी, तो आप लोग को जो दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे देख सकते हो प्रभु श्री राम जो कि अयोध्या के मंदिर में विराजमान हुए हैं, हमारे श्री राम लला, उनका यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा फ्रेम रखा गया। सो यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं हम लोग, ओके उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो जी हम लोग यहाँ पे फाइनली घूम लिए पूरा अच्छे से और बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ, अभी भी कंस्ट्रक्शन मोड में है बट जब कंप्लीट हो जाएगा तो और खूबसूरत लगेगा मंदिर, है ना। और फिलहाल इन लोग से भी पूछ लेते हैं कैसा लगा, बताओ, है ना। बहुत ही अच्छा है, भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा शांति वाला जगह है, और पूरी तरह जब बन जाएगा ना आराम से जब शांति। विपिन तो फिलहाल इधर ही रह रहा है मुराबादी साइड, तो ये आ जाएगा करीब, रहता हूँ, आते रहूँगा यहाँ महाशिवरात्रि में, महाशिवरात्रि माना, हाँ जरूर आऊँगा ना। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर आइए घूमने के लिए एक बार टाइम निकाल करके, और महाशिवरात्रि भी आ रहा तो यहाँ का भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगा। ये कॉलोनी में है बट बहुत बड़ा मंदिर है, धाम जैसा है क्या, यहाँ वैसा ही कुछ है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।